बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू टेल डेज इन ईच मंथ, मतलब हर महीने में कितने दिन होते हैं। 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। हमें अपने टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह उन्होंने हमें ये पढ़ाया है। जिस तरह ये लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में ना, कि 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो उन्होंने हमें कहा था कि हम जो है शेर की तरह हम पढ़ेंगे इसको उर्दू में। 30 है दिन सितंबर के, 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। 30 हैं दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। फेब्रुअरी है 28 अलोन एंड ऑल द रेस्ट हैव 31। फरवरी सिर्फ 28 के, सिर्फ 28 के और बाकी सब 31 के। एक्सेप्ट इन लीप ईयर देन इज द टाइम व्हेन फेब्रुअरी डेज आर 29। सिवाय लीप साल के जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं, सिवाय लीप साल के जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं। ठीक है, किस तरह पढ़ेंगे? 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। फेब्रुअरी है 28 अलोन एंड ऑल द रेस्ट है 31। फरवरी सिर्फ 28 के और बाकी सब 31 के। एक्सेप्ट इन लीप ईयर देन इज़ द टाइम व्हेन फेब्रुअरी डेज आर 29। सिवाय लीप साल के जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब साल की महीने। इसमें हम दो तरह के साल के महीने पढ़ेंगे, एक शमसी साल के महीने और दूसरे कमरी साल के महीने। सोलर मंथ्स, शमसी महीने, इसको हम आम जुबान में अंग्रेजी साल भी कहते हैं। इसके महीने दर्ज ज़ेल हैं जनवरी, फरवरी मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, पांचवा महीना है मई, छठा महीना है जून, जुलाई सातवां महीना है, आठवां महीना है अगस्त, सितंबर जो है वो सितंबर जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो नवा महीना है, दसवां महीना है अक्टूबर, ग्यारहवां महीना है नवंबर एंड बारहवां महीना है दिसंबर। तो ये शमसी साल के या आम जुबान में अंग्रेजी साल के महीनों के नाम हैं। लूनर मंथ्स, कमरी महीने, मतलब इस्लामी साल जो है उनके महीने जो है वो नीचे दिए हुए हैं। पहला इस्लामी साल का पहला महीना होता है मुहर्रम, दूसरा महीना है सफ़र, रबीउल अव्वल जो है वो इस्लामी साल का तीसरा महीना है, रबीउस सानी जो है वो चौथा महीना है इस्लामी साल का, कमरी महीना भी कहते हैं हम इसको, जुमादिल अव्वल पांचवा महीना है इस्लामी साल का, इस्लामी साल का छठा महीना है जुमादिल सानी, सातवा महीना है रजब, आठवां महीना है इस्लामी साल का शाबान, रमज़ान जो है वो इस्लामी साल का नवा महीना है, शव्वाल जो है वो इस्लामी साल का दसवां महीना है जिसमें ईदुल्फितर भी होती है, इसकी यकम तारीख को ईदुल्फितर मनाई जाती है। ज़िलक़ादा जो है वो इस्लामी साल का ग्यारहवां महीना है एंड ज़िलहज जो है वो इस्लामी साल का बारहवां महीना है जिसमें हज भी अदा किया जाता है और इस
इस महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है। सीजन्स ऑफ द ईयर, साल के मौसम, मतलब साल में कितने मौसम आते हैं। पाकिस्तान में अमूमन 4 मौसम आते हैं। समर, जिसको उर्दू में मौसम गर्मा कहते हैं। विंटर, मौसम सरमा इसको उर्दू में कहते हैं। आटम, मौसम ख़जान इसको उर्दू में कहते हैं। स्प्रिंग, मौसम बहार इसको उर्दू में कहते हैं। थैंक यू।